देखिए पहला क्वेश्चन में 13/7 और 41/7, तो जब भी नीचे बराबर रहे, क्योंकि नीचे जब भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है और 41, तो आसानी से हम लोग बता देते हैं कि 41 बड़ा है, तो दोनों के नीचे पहले से क्या छुपा रहता है, एक। तो अगर एक के जगह 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, तो नीचे बराबर हमेशा सीधा सोचिए, जो बराबर है उसको छुपा लीजिए और सीधा सोचिए कि 13 से बड़ा है 41, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि 21/19 और 21/43, तो ऊपर बराबर रहे, जब नीचे बराबर था तो सीधा सोचना है, ऊपर बराबर तो उल्टा सोचिए, जो बराबर है उसको छुपाइए और उल्टा सोचिए, 43 बड़ा है इसका मतलब ये छोटा है, 19 वाला बड़ा है। 173/19 और 191/203, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि 19 से 173 में भाग लगेगा, चाहे जितना बार लगे, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन 191 में 203 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू एक से क्या है, कम है, और इसका वैल्यू एक से क्या है, ज़्यादा है। अगर 19 से भागा 173 में लगाएंगे तो भागा जाएगा ना आगे, एक बार, दो बार, दस बार, जितने बार, लेकिन यहाँ तो भागा लगेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये एक से कम है, तो एक से ज़्यादा कौन हुआ, ये वाला, तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन में अगर इस तरह से छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 4 के पास 5 आया तो इधर क्या आ गया 20, और 7 गया 8 के पास तो इधर क्या आ गया 56, तो 56 बड़ा हो गया, इसका मतलब 8/5 इज द ग्रेटर।